हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो कितने समय बाद उसका पहला स्नान होता है। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस दौरान वो एमनियोटिक फ्लूइड से और खून से सना हुआ होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसको एक साफ़ सुथरे टॉल से साफ करके उसको सामान्य टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देते हैं। कई हॉस्पिटल में तो एक दिन तक बच्चे को ऐसे ही रखा जाता है, उसके एक दिन बाद बच्चे को नहलाते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट बच्चा पैदा होने के बाद अगर डॉक्टर नहला दे तो शिशु का तापमान जो शरीर का है वो गिर जा सकता है और उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो बच्चे का पहला स्नान या तो 6 से 7 घंटे के बाद होता है, या फिर किसी किसी हॉस्पिटल में पूरा दिन बच्चे को 24 घंटे के बाद स्नान दिया जाता है। तो ये थी मेरे पास छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी